हेलो एवरीवन, मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि भाई शोल्डर की इंजरी ना हो इस तरह से कैसे बारबेल या डंबल शोल्डर प्रेसेस परफॉर्म कर सकता है। तो इसके ऊपर आज एक वीडियो बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि भाई कौन कौन सी चीज़ें या टेक्निक्स ध्यान रखनी होती है कि आपको शोल्डर की इंजरी ना आए। मोस्टली आई हैव सीन दैट जब भी आप शोल्डर की कोई एक्सरसाइज करते हैं उससे पहले शोल्डर अच्छे वार्म्ड अप नहीं है। तो सबसे पहले तो शोल्डर का अच्छा वार्म जरूरी है, एंड व्हाट बेटर वर्कआउट रादर देन डूइंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल रोटेशन बिफोर द वर्कआउट ऑफ शोल्डर। इस तरह से शोल्डर के आपके जॉइंट को और एल्बो को टक रखते हुए, एल्बो को टक रखने के बाद आपके हाथों को बाहर की तरफ एंड अंदर की तरफ रोटेट करते हुए आपको मोमेंट करनी है। इसको बोलते हैं इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन। डू दिस थिंग फॉर 3 times एंड 10 रेपिटेशन। और इससे शोल्डर के जो अंदर के मसल्स होते हैं जिनका नाम है रोटेटर कफ मसल्स, वो अच्छे से ट्रेन होते हैं एंड शोल्डर की इंजरी होने के चांसेस कम होते हैं। इसके साथ साथ एबडक्शन एडक्शन भी बहुत ज़रूरी है, एक्सटेंशन फ्लेक्शन भी बहुत ज़रूरी है जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एंड शोल्डर रोटेशन भी बहुत ज़रूरी है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। आप ऑलरेडी ये लास्ट हमारे चेस्ट के वर्कआउट में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें जो है बिफोर वर्कआउट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये टिप नंबर 1 थी हमारी शोल्डर की इंजरी ना होने के लिए। सेकंड, मैंने देखा है कि जो डंबल्स होते हैं, डंबल्स को हैमर पोजीशन के अंदर लिफ्ट करने के बाद जब आप ऊपर रोटेट करते हैं तो कई सारे लोग अपने शोल्डर को आगे रखने की बजाय पीछे रखते हैं, मतलब इस तरह से वो परफॉर्म करते हैं शोल्डर प्रेसेस। आपने कई बार जिम्स में ये चीज़ें देखी होगी। दिस इज़ वेरी रॉन्ग टेक्निक। जब आप ये टेक्निक करते हैं तो आपके बैक के अंदर स्कैपुला मसल होता है और ये स्कैपुला मसल इंजर्ड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसीलिए जब भी आप शोल्डर प्रेसेस करें हैमर से ऊपर जाएं, तो जब नीचे आते समय आपकी जो ग्रिप है और आपकी जो एल्बो है वो 40 डिग्री आगे की ओर होनी चाहिए। कहाँ पे? आगे की ओर, डंबल थोड़े पीछे की ओर। नाउ इमेजिन ए इन द एनवायरनमेंट, ये हमने बनाया ए और हम आए नीचे। नीचे कहाँ तक आना है? तो पूरा यहाँ तक नहीं आ जाना है, यहाँ से ऊपर जाते समय आपको ज़्यादा दिक्कत होगी, लेकिन आपको शोल्डर और एल्बो पैरेलल रखते हुए नीचे आना है और यहाँ से पुश करना है 30 डिग्री आगे एंड पुश। हैमर में एंड डाउन। तो टिप नंबर 3 मेरी है कि ज़रूर से ज़्यादा वेट लिफ्ट करना भी आपको बहुत डिफ़िकल्टी देता है। अगर आपकी कैपेसिटी 5 किलो या 10 किलो उठाने की है और आप 40 किलो वेट उठा लेते हैं शोल्डर में किसी को इम्प्रेस करने के लिए, जैसे बोलते हैं ईगो लिफ्टिंग, तो ये भी शोल्डर की कैपेसिटी से बाहर शोल्डर को डैमेज कर सकता है। तो कभी भी ईगो लिफ्टिंग ना करें अगर शोल्डर को हेल्दी रखना है तो। टिप नंबर 4 इज़ अ हेल्दी रिकवरी ऑफ शोल्डर्स। जब भी आपने शोल्डर किए हैं उसके अगले दिन या तो आप मसाज करवा सकते हैं जिसे रिकवरी का एक फॉर्म मानते हैं, या तो आप अच्छा रेस्ट मतलब अच्छी नींद ले सकते हैं उस दिन रात को ज़्यादा, या तो आप अच्छे प्रोटीन कंटेंट जो फूड में प्रोटीन के सोर्सेज है वो लेकर प्रोटीन को रिकवर कर सकते हैं, शोल्डर को रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पर आपके मसल्स है जो डैमेज हुए उनको रिकवरी जल्दी से लाना बहुत ज़रूरी है। और कभी भी साइमल्टेनियसली आज आपने शोल्डर किए कल आपने चेस्ट की जहाँ पे शोल्डर ऑलरेडी इन्वॉल्व होते हैं ऐसे वर्कआउट ना करें। इससे शोल्डर की रिकवरी धीरे होती है और मसल डैमेज ज़्यादा होते रहते हैं। 5th एंड लास्ट टिप हमारी होती है अच्छा स्ट्रेचिंग आफ्टर शोल्डर वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग क्या करता है? आपके मसल को रिलैक्स करता है, ब्लड सर्कुलेशन को ओपन करता है और आपके मसल को इलास्टिसिटी बढ़ाए और आपके मसल की इलास्टिसिटी बढ़ाए रखता है और इसकी वजह से शोल्डर लंबे समय तक हेल्दी रहता है। तो ये 5 टिप आज से ही बिफोर वर्कआउट, इंट्रा वर्कआउट एंड आफ्टर वर्कआउट ऐड करिए एंड सी आपको कभी भी शोल्डर की इंजरी नहीं होगी।